Hello students, so today we will study about the electric field lines. Electric field lines, actually ma'am, this is also the hypothetical concept given by Faraday. जैसे आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, वैसे ही हमारे पास इसका कंसेप्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एक्चुअल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, अगर हम लोग स्टेटमेंट के अनुसार चलें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ स्ट्रेट और करंट द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो हम लोग आगे भी चलेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लें कि होती क्या है हमारे पास. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व, या स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है. The tangent drawn the tangent to any point at which gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर किसकी देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन. तो ये पाथ हो गया हमारे पास, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या हो गया कि ये है कोई एक फील्ड लाइन इस तरीके से, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है. हमने यहां पर ले लिया कोई पॉइंट पी, यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट हमारे पास ड्रॉ होगी इस तरीके से, ये आगे. सो दिस टेंजेंट दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज अलोंग द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी हो, तो अगर हम लोग ने डायरेक्शन निकालनी हो किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, देन इट इज अलोंग द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अब हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग सिंपल सा मेथड लेकर के चले तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है जिस पाथ से मूव करेगा, अगर ये फ्री है ऐसा करने के लिए, तो उस पाथ को हमने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया आपके पास, इट इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज moves if it is free to do so. तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इसमें मूव करेगा अगर ये ऐसा करने के लिए फ्री, ठीक है. अब यहां पर एक नोट देने वाली बात है, अगर मान लो आपके पास फील्ड लाइन है स्ट्रेट, तब तो चार्ज पार्टिकल चलेगा इसी के अलावा, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास फील्ड लाइन आ गई कर्व, देन द चार्ज पार्टिकल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट विल नॉट मूव अलोंग दिस वन लाइन, बट इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन. मतलब इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की डायरेक्शन आएगी उसी के अलोंग इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. तो अभी हम लोग इन फील्ड लाइन्स की बात करेंगे, थोड़ा सा इनको आगे चल के डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कशन करते हैं. सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए पहले हम लोग कुछ बातें समझेंगे इनके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में. पहली बात, हमारे पास फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास क्या दे रखा है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज,
फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर स्ट्रेट एंड स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड आर सपोज टू बी एंड एट द इंफिनिटी। हम लोग ये मान चलते हैं कि जो आपके पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज ये हमारे पास आ गया तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे दीज आर स्ट्रेट एंड रेडियली आउटवर्ड, यानी आपके पास रेडियली आउटवर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम और स्टार्ट फ्रॉम द चार्ज एंड सपोज टू एंड एट इन्फिनिटी। कहाँ पर होंगे आपके पास? इन्फिनिटी के ऊपर, ये माना गया कि इन्फिनिटी के ऊपर एंड होंगे। इसका मतलब यहाँ से चली तो आपके पास ये आपकी डायरेक्शन। इस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ द चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी इसी के अलावा क्या करेगा? मूव करेगा। अगर हमारे पास क्या है? सिंगल नेगेटिव चार्ज है और सिंगल नेगेटिव चार्ज। फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दीज आर आल्सो स्ट्रेट एंड दीज आर रेडियली इनवर्ड। कैसे आएंगी? रेडियली इनवर्ड आएंगी। अब आपके पास दीज आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एट एंड एट द नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर द फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, दीज आर द फील्ड लाइंस ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। कई बार क्वेश्चन एक नंबर का यहीं से पूछ लिया जाता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो आ गया हमारे पास, ये किसकी वजह से हो गई? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये किसकी वजह से हो गई? ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज हो गई हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, अगर मान लो आपके पास सिस्टम आ जाए दो चार्जेस का, फॉर द सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस। ध्यान दें आप, हम लोग दो चार्जेस के सिस्टम की बात करते हैं। एक आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक आ गया कौन सा? नेगेटिव चार्ज। मान लो दोनों इक्वल और अपोजिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम लोग यहां पर मान के चलते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं हम लोग। ये मान लो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, और यहां पर ये आ गया नेगेटिव। क्या होगा? दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ऐसे जी से इस तरह, इट मींस दैट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। पॉजिटिव चार्ज से चली और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो गई। ऐसे नहीं है कि ये घूम करके ऐसे आ गए आपके पास। कहां से चली? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मान लो आपके पास कहते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ द टू लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस आते हैं हमारे पास, लाइक चार्ज मान लो हमारे पास है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गए, ये भी पॉजिटिव और ये भी हमारे पास पॉजिटिव, ये आगे इनकी लाइन। मान लो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो ये मिडिल जैसे में मैंने एक लाइन यहां। Now what happens that the electric field lines these exert lateral pressure on each other? एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ये lateral pressure exert करेंगे इस तरह due to which the similar charges these repel each other.
एक दूसरे को क्या करते हैं ये रिपेल करते हैं ऐसे। पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर अगर मान लो ये क्यू वन है आपके पास, दिस चार्ज इज क्यू वन, ये क्या आ गया क्यू टू आ गया, सो दिस वन दैट इज आर क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया पी। एट दिस पॉइंट एट द पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, ई इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज नोन एज अ न्यूट्रल पॉइंट, देयरफॉर दिस पॉइंट पी इज नोन एज अ न्यूट्रल पॉइंट। जब हमारे पास क्या है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस दैट आर इक्वल देन दिस न्यूट्रल पॉइंट दैट लाई एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस सेंटर। लेकिन अगर मान लो मैग्नीट्यूड बराबर ना हो, हमारे पास ऐसे है मान लो ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास दूसरा चार्ज हम लोगों ने दे दिया Q2, such that this Q2 is greater than Q1, तो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे आपके पास है ऐसे। ऐसे घूम जाएगा बताइए, इन फील्ड लाइंस को आप लोग बना सकते हो इस साइड को भी इस तरीके से, और ये हमारा ये आ गया पॉइंट पी, दिस वन इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू, इट मीन्स दैट क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू, सो न्यूट्रल पॉइंट दैट लाई क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कम है, सो न्यूट्रल पॉइंट दैट लाई क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इनको ज्यादा रिपेल कर देगा इस साइड को, तो न्यूट्रल पॉइंट इसी की साइड को क्या हो जाएगा आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो दो नेगेटिव चार्ज आपके पास दिए गए हैं, तो नेगेटिव चार्ज में क्या करना है, आप लोगों ने फील्ड लाइन्स का पैटर्न पूछा गया है, तो सिंपली क्या कर दो बेटा इनको, बस ये जो आउटवर्ड आप लोगों ने डायरेक्शन दिया इसको क्या कर दो इनवर्ड दे दो, बस सिंपली आप लोगों यहाँ पर भी क्या दे दो इनवर्ड, बाकी कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से अगर हम लोग बात करें, इनफाइनाइट कंडक्टर हमारे पास आ गया, अगर ये मैंने मान लिया इनफाइनाइट कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज हम लोगों ने मान लिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिस विल बी पैरेलल स्ट्रेट पैरेलल ऐसे, ये बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या करैक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली बात हमारे पास यहां से देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व, आर
discontinuous. These start from the positive charge and at the negative charge. It means these do not pass through the charge body. Hence, these do not form the closed loop. ये हमारे पास closed loop नहीं बनाएंगी. These do not forms closed loop. ये closed loop नहीं बनाएंगे. दूसरी बात हमारे पास the tenant to any point of electric field line represent the direction of electric field intensity. Electric field intensity at that point. दूसरा बात ये भाई ये हमने कर लिया था, डिस्कस किया हुआ था, ये कर लिया था. थर्ड वन, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसका रीजन देते हैं हम लोग क्यों. अगर मान लो हमारे पास दो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ये एक है और ये दूसरी है, मान लो पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट. सर द पॉइंट P वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई. मीन्स दैट if two field lines intersect then at the point of intersection we can draw two tangents which represents the two directions of the electric field intensity at a one point which is not a possible. Hence the two field lines these can never intersect each other, ye kabhi bhi intersect nahi kar sakti. Next one hamare paas electric field lines are normal. Electric field lines are normal to the charged body. कोई भी charged body है जब भी ये originate होंगी या end होंगी उसके ऊपर तो ये कैसे होंगी, normally आपके पास perpendicularly आएंगी. जैसे दो charges की बात की थी हम लोगों ने बेटा, एक में तो नॉर्मली आ रही थी, दोनों में देखें अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहां से जब निकली है बाद में भले ही ये कर्व आ गई आपके पास, लेकिन यहां से निकली तो रेडियली निकलेंगी और यहां पर एंड होंगी तो भी तो कैसे होंगी, रेडियली आपके पास. इसका मतलब ये कैसे नॉर्मली ही ऑरिजिनेट हो रही है और नॉर्मली ही एंड होंगी. इट मीन्स दैट देयर इज अ नो कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज पैरेलल टू द कंडक्टर. नो कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा जो कि आपके पास कंडक्टर के इसके जो चार्ज बॉडी है उसके सरफेस के पैरेलल. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली. Longitudinally means lengthwise, इकट्ठी होती है, ऐसे contract होती है, पास पास आती हैं, ठीक है, due to attraction between two unlike charges. दो unlike charges क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो किसकी वजह से है, उसी की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कॉन्टैक्ट होंगी. कैसे, लेंथ वाइज जो है आपके पास कॉन्टैक्ट होंगे. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, एक्सर्ट करेंगे लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्जेस की वजह से ये क्या होगा, उनके बीच में लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब अगर मान लो हम लोगों ने क्या करना हो, नंबर डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी हो, सो मोर इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन अ रीजन, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मोर इज द स्ट्रेंथ मीन्स दैट इज द मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन द रीजन इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग नॉर्मली अराउंड द यूनिट एरिया, ठीक है, थ्रू द यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट इन द रीजन। तो इसमें देखते हैं हम लोग, यहां से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रूव करने वाले हैं, दैट इज शो दैट ई वेरीज यूनिवर्सली एज आर स्क्वायर बाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। हमारे पास क्या है, यहां से कंसेप्ट यूज करेंगे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली अराउंड दैट नंबर ऑफ द फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली अराउंड दैट पॉइंट। सो इट मीन्स नंबर ऑफ द फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक चार्ज ले लिया एट द अपेक्स ओ ऑफ द कोन, कोन हम लोगों ने मान लिया, यहां पर हम लोगों ने ये ले लिया अपेक्स ओ, ये मान लिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने क्यू। यहां से फील्ड लाइन्स चलेंगी तो इस तरीके से जाएंगी हमारे पास, ऐसे आगे फील्ड लाइन्स, ठीक है। ये सेम एंगल बनाएंगी यहां पर सॉलिड एंगल दैट दिस एंगल दैट इज डेल्टा ओमेगा ऑल लाइन्स, दिस एंगल दैट इज सेम, ये एंगल क्या हो गया सेम हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे चली चारों तरफ को हमारे। हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया पी वन और एक पॉइंट यहां जैसे ले लिया पी टू, इसके चारों तरफ का एरिया ये हम लोगों ने मान लिया बी एस वन, दिस वन और इसके चारों तरफ का ये एरिया इसको हमने मान लिया डेल्टा एस टू। मान लो ये जो ओ पी वन है दैट इज आर वन एंड ओ पी टू दैट इज इक्वल टू आर टू, ये डिस्टेंस हम लोगों ने मान, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही चलेंगी।
जितनी एक के थ्रू जा रही है एरिया के, उतने ही इसके दूसरे के थ्रू जा रही है, तो इस तरीके से और सेम एंगल दोनों सरफेस जो है सेम एंगल यहां पर बना रहे हैं डेल्टा ओमेगा के बराबर बना रहे हैं। तो हम लोग बात करें अगर यहां से, दैट इज अ डेल्टा ओमेगा दैट इज इक्वल टू भाई किसके बराबर आता है, ओमेगा सॉलिड एंगल दैट इज एरिया अपॉन स्क्वेयर ऑफ द रेडियस, यही आता है दैट इज डेल्टा एस वन अपॉन आर वन स्क्वेयर, जो डिस्टेंस इसकी आर वन है यहाँ से। सो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एस वन इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर डेल्टा ओमेगा। सिमिलरली डेल्टा एस टू निकालू मैं अगर, तो डेल्टा एस टू दैट इज इक्वल टू आर टू स्क्वेयर डेल्टा ओमेगा, ये हमारे पास है। अगर मान लो हमारे पास एन बी द नंबर ऑफ द फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू डेल्टा एस वन एंड एस टू, एन बी द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स थ्रू डेल्टा एस वन एंड डेल्टा एस टू, इनके थ्रू पास हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी एट पी वन क्या आएगा, ई वन इज इक्वल टू एन अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कितनी है एन इसके थ्रू अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एस वन। डेल्टा एस वन हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू आर वन स्क्वेयर इंटू डेल्टा ओमेगा, तो ये आ गया एन अपॉन आर वन स्क्वेयर डेल्टा ओमेगा नंबर वन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी टू, सो ई टू दैट इज इक्वल टू एन अपॉन डेल्टा एस टू दैट इज इक्वल टू एन अपॉन आर टू स्क्वेयर और ये डेल्टा ओमेगा, दिस इज नंबर टू। क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सो ई वन अपॉन ई टू, यहां पर देखो बेटा ई वन ये बाकी तो एन अपॉन डेल्टा ओमेगा, एन अपॉन डेल्टा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बच गया हमारे पास किसके बराबर आर टू स्क्वेयर अपॉन आर वन स्क्वेयर, इट मीन्स ई वेरीज इनवर्सली एज आर वन स्क्वेयर, ई टू दैट वेरीज इनवर्सली एज आर टू स्क्वेयर, सो वी कैन से दैट ई वेरीज इनवर्सली एज आर स्क्वेयर। So electric field intensity that varies inversely as a square of the distance from the point charge. Okay, कैसे vary करेगी? Square of the distance. Inversely as a square of the distance. That's why it is a spherical symmetric also. ठीक है, कैसे आ गया आपके पास spherical symmetric है। अब हम लोग यहाँ से कुछ बात करेंगे किसकी points की, कुछ results हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि भाई चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। कल हम लोगों ने सिग्निफिकेंस की बात की थी, तो कुछ रिजल्ट्स हम लोग ऐसे ही ध्यान में रखेंगे यहाँ से, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करने हैं यहाँ से। पहली बात हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in which the value of the electric field intensity is constant at every point, or the field which is constant at each and every point is known as a uniform electric field. Uniformity का मतलब है आपके पास एक तो magnitude electrical electric field intensity का और दूसरा direction दोनों क्या आनी चाहिए, that should remain a constant. So that's why uniform electric field that is represented by पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन विच आर इक्वली स्पेस्ड, कैसे आएंगे आपके पास इक्वली स्पेस्ड आप लोगों के पास। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दी कैसे, पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइंस विच आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड इस तरीके से।
या भी है। हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो है ई के बराबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो चलती है कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो कोई सोर्स होगा वो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, और इस साइड कोई सोर्स होगा वो कैसे आएगी, ग्रेटर नेगेटिवली चार्ज के पास आएगी। ठीक है, एक साइड क्या हो गया पॉजिटिव और दूसरी साइड क्या हो गया आपके पास है नेगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फोर्स के लिए बात करते हैं हम लोग। देखो जब फोर्स देखते हैं हम लोग, फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन आ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हमने किया था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, सो एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई के। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, अगर तो ये चार्ज Q है पॉजिटिव, वेन Q इज पॉजिटिव, जिस चार्ज को रखा है हमने पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स आ गया तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस देन एफ इज अलोंग किसके डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, सो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस साइड को लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दे रहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिमाग में बैठा देना अभी से इसको। अगर क्यू आ गया नेगेटिव, व्हेन दिस क्यू इज नेगेटिव, आ गए एफ फोर्स के साइड पर, आ गए एफ क्यू ई के बराबर आता है, तो मैंने रख दिए नेगेटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव है, इस साइड को नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस साइड को, तो फोर्स आ गया इस साइड, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई। सो देन एफ इज अपोजिट टू ई और अगेंस्ट ई, सो फॉर पॉजिटिव चार्ज द फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज द फोर्स दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई। ये ध्यान में रख लिया, और फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन दी जाती है हमारे पास कि मान लो कोई चार्ज बॉडी है हमारे पास, ये कोई चार्ज है, ये कोई भी चार्ज है, मैं दो बना दूंगा यहां पर, ये इट इज फॉलिंग फ्रीली। हमने क्या करना है, इसको फ्रीली सस्पेंड करना है एयर में, सस्पेंड करना है हम लोगों ने इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हमने इसको सपोर्ट करना है। देखो इसका वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है, एंड अगर इसको हम लोगों ने हवा में ही क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ होगा, चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू एम जी, मतलब एफ ई दैट शुड बी इक्वल टू एम जी, वेट के बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए, मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब आपके पास ये आ गया क्यू ई दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकाले यहाँ से, देन इट इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू के बराबर, ये फार्मूला लगा लो, ये लगा लो, कोई दिक्कत। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, अगर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, जो नीचे गिर रहा है, फोर्स लगा ऊपर, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट शुड बी वर्टिकल अपवर्ड, ये साइड को होनी चाहिए वर्टिकल अपवर्ड, और अगर ये है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि भाई ये वेट तो हमेशा नीचे एक्ट करेगा और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ को होना चाहिए, ये तो पक्का ही है ऐसे होना चाहिए। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ को लग रहा है, तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे। तो ये चीजें आप लोगों ने यहां से ध्यान में रखनी है कि कब
है वो क्या काम करना है, बस फार्मूला यही लगाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि भाई अ वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम एंड हैविंग चार्ज एंड चार्ज 1.5 × 10⁻⁶ कूलम, ये हमारे पास दिया गया है। स्टेज सस्पेंडेड इन आ रूम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रूम एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। एक तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है, एक इसके डायरेक्शन। पहले मास देख लेते हैं, किलोग्राम में कर लेते हैं, 10⁻³, ये तो हो गया किसमें, मिली से ग्राम में, और एक ग्राम में कितने किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। ध्यान दें, मिली से, ये मिली को ग्राम में चेंज कर दिया, और ये ग्राम से किसमें, किलोग्राम में। तो ये बच गया 3 × 3 = 6, और ये आपके पास कितना आ गया, 10⁻⁵ किलोग्राम। चार जी की वैल्यू सभी को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप लोग 10 ले सकते हो अगर दिया गया हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है कि दैट एफ ई दैट शुड बी इक्वल टू एफ जी, मतलब आपके पास क्यू ई दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी। सो ई दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी अपॉन क्यू के बराबर। ई इज इक्वल टू मास कितना है, 10⁻⁵, जी कितना है आपके पास 9.8 अपॉन क्यू 1.5 10⁻⁶। सो ई इज इक्वल टू बच गया 98 अपॉन 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 1590 × 10। सो ई दैट इज इक्वल टू 65.3 न्यूटन पर, इतना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि पॉजिटिव है आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया था, तो वेट तो नीचे लग गया, ये एम जी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किस साइड को फोर्स लगता है, इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई, वर्टिकल अपवर्ड, और अगर नेगेटिव होता तो वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग उसमें क्या पूछा गया है। इसमें हमारे पास बोला गया कि दैट द स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम, स्फीयर दे रखा है, मास है हमारे पास कितना 1 ग्राम, कैरी द चार्ज ऑफ +6 µC, मास दे रखा है कितना 1 ग्राम, मतलब 10⁻³ किलोग्राम, कैरीज अ चार्ज ऑफ +6 µC, मतलब 6 × 10⁻⁶ कूलम, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 N/C, 400 N/C, और ये फील्ड है आपके पास एक्टिंग डाउनवर्ड, कैसे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी दे रही है इसके साथ के साथ। ठीक है, एक्टिंग डाउनवर्ड, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी है, व्हाट विल बी द टेंशन इफ द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -6 µC, वो बात की बात है, पहले हम लोग ये कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो ये सस्पेंड कर दिया हम लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज है, वेट लग गया नीचे की तरफ को mg, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग गया नीचे की तरफ,
क्योंकि इलेक्ट्रिक सोर्स क्या लगेगा इन द डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कैसे लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और टेंशन जो है स्ट्रिंग में आ गई. So in this case, T that is equal to mg plus Fe के बराबर है क्योंकि net force that is equal to zero. So T that is equal to mg, m कितना है आपके पास 10 raised to power minus 3 into 9.8 plus this is Q into E के बराबर. So this is 9.8 into 10 raised to power minus 3. Q है आपके पास 6 into 10 raised to power minus 6 into 4 into 10 raised to power 2. So 9.8 into 10 raised to power minus 3 ये प्लस था बेटा यहाँ पर प्लस 24 into 10 raised to power minus 4. चलो इसको भी 10 raised to power minus 4 करते तो डेसिमल को हटा दिया मैंने 98 into 10 raised to power minus 4 प्लस 24 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 ऐड करते हैं इसको तो ये आ गया 122 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 न्यूटन. मतलब ये टेंशन आपके पास आ गई 1.22 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 2 न्यूटन. ये हो गई टेंशन. अब दूसरा बोला गया अगर मान लो ये चार्ज आपके पास हो जाए नेगेटिव, नेगेटिव हो जाए देखते हैं कैसे. ये कंडीशन भाई एम जी तो नीचे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है. अब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस साइड को आ गया टेंशन और इस साइड को आ गया एफ ई. तो मतलब टी प्लस एफ ई इज इक्वल टू व्हेन दिस क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस सिक्स को ये that is equal to mg. So T that is equal to mg minus Fe. बाकी कुछ चेंज तो हुआ नहीं, बस ये निकाल लेते हैं हम लोग mg कितना था आपके पास that is 98 into 10 raised power minus 4 minus 24 into 10 raised power minus 4. तो कितना आ गया आपके पास ये 74 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 4 न्यूटन या फिर 7.4 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3. दिस विल बी द टेंशन. ठीक है बचाएगी आपके पास टेंशन. ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास ये टेंशन क्या हो गई कम हो गई. पहले ज्यादा थी अब क्या हो गई कम हो गई. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है इसमें बोला गया है टू पॉइंट चार्जेस. हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का ही आपके पास कंसेप्ट है. देखते हैं क्या बोला गया इसमें. टू पॉइंट चार्जेस ऑफ टू माइक्रोकूलम एंड एट माइक्रोकूलम. एक दिया गया टू माइक्रोकूलम और एट माइक्रोकूलम और एट माइक्रोकूलम. दीज आर सेपरेटेड बाई दीज आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट. यहाँ पर ये पॉइंट ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया और इनके बीच की दूरी दे दी 12 सेंटीमीटर अपार्ट है ना ए. ऐसे दिया गया ठीक है. फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो. हमें पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए जीरो हो जाए. तो क्योंकि दोनों का सेम आपके पास पोलैरिटी है तो बीच में आ जाएगी आपके पास इंटेंसिटी जीरो. तो यहाँ जैसे मान लिया हम लोगों ने क्योंकि इसकी वजह से ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगी. तो ये डिस्टेंस मान ली मैंने एक्स, ये सी पॉइंट मान लिया तो आगे 12 माइनस एक्स. ये यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड को आएगी और दूसरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड को आएगी और दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर. मतलब एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के बराबर. तो मैं क्या लिख सकता हूं एट दिस डिस्टेंस, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस चार्ज टू माइक्रोकूलम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू जीरो. सो ई वन दैट इज इक्वल टू ई टू यही होगा आपके पास. सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
ये कितना है आपके पास, 2 माइक्रो कूलम्ब, 2 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 10 रेस पावर माइनस 6 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बाकी ये तो कैंसिल आउट हो गए आपके पास, तो मेरे पास बच गए यहाँ से 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 12 माइनस एक्स हमारे पास बच गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो 12 इज इक्वल टू 3x, सो एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ से कितने डिस्टेंस के ऊपर 4, और दूसरे से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है बेटा, आगे चल करके फिर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट भी लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी लेकर के चलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों ने यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, इनको थोड़ा सा रिवाइज करना, अच्छे तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज करना, और अपनी बुक से क्वेश्चंस जितने कर सकते हैं आप लोग उतने आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ो, इसको यूटिलाइज करो। ठीक है, और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे।